दूसरा बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। अब इतने साल क्यों नहीं बना, उसका जवाब आप लोगों ने खोजना है। हो सकता है मेरा इंतजार हो रहा था। मैं गुजरात से आता हूं, हमारे यहां एक डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, एक प्रकार से रेगिस्तान है, उधर पाकिस्तान है। उस एक डिस्ट्रिक्ट में 5 हवाई अड्डे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट। आज इतने सालों के बाद उड़ीसा में दूसरा हवाई अड्डा बन रहा है। जबकि अभी सुरेश जी बता रहे थे कि देश में जिस प्रकार से हवाई उड़ान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे देश में, देश आजाद हुआ तब से अब तक जो कुल हवाई जहाज उड़ रहे हैं उसकी संख्या करीब 450 है। आजादी से अब तक, और इस एक वर्ष में नए 950 हवाई जहाज का ऑर्डर बुक हुआ है। कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, किस तेजी से पहुंच रहे हैं। और मैं समझता हूं कि वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा एक प्रकार से एक ऐसे त्रिवेणी संगम पर है जो भुवनेश्वर, रांची, रायपुर तीनों के साथ एकदम से सेंटर पॉइंट बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि विकास की कितनी संभावनाओं के पंख इसके कारण लगने वाले हैं, कि नई उड़ान उसके कारण भरने वाले हैं। झारसुगुड़ा, संबलपुर और छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों को, उसके उद्योग जगत के लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सबके लिए एक सुविधा बहुत आवश्यक होती है। तभी जाकर के वो सरलता से आना जाना एक बार होता है तो फिर वो अपना बिजनेस की दृष्टि से भी रिस्क लेते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों की सोच रही है कि सबका साथ सबका विकास का मतलब क्षेत्रीय संतुलन भी होना चाहिए। पश्चिमी भारत का विकास होता रहे और पूर्वी हिंदुस्तान का विकास न होता रहे तो यह असंतुलन देश के लिए संकट पैदा करता है, और इसलिए हमारी लगातार कोशिश है कि पूर्वी हिंदुस्तान का विकास हो। उड़ीसा का विकास उसका एक अहम हिस्सा है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, इस सारे क्षेत्र का विकास ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आज मैं यहां एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर रहा हूं, 2 दिन के बाद परसों में सिक्किम में हवाई अड्डे का उद्घाटन करने जा रहा हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी तेजी से काम हो रहा है, कितना। आज मुझे कोयला खदान का भी लोकार्पण करने का अवसर मिला है। हम जानते हैं कि आज जीवन की गतिविधि के केंद्र बिंदु में ऊर्जा है, और उड़ीसा भाग्यवान है, उसके पास ब्लैक डायमंड का खजाना है, लेकिन वो अगर पड़ा रहता है तो बोझ है, निकलता है तो रौनक है, और इसलिए उसे निकालने का काम, उसमें से ऊर्जा पैदा करने का काम, उसमें से विकास की संभावनाओं को तराशने का काम, उसकी भी आज यहां शुरुआत हो रही है। और मैं दारलिपली थर्मल पावर, उसकी जो कोयले की आपूर्ति है, उसकी भी उसके साथ आज एक रेलवे का भी, एयर कनेक्टिविटी का भी महत्व है, रेल कनेक्टिविटी का भी महत्व है, और बदले हुए युग में कनेक्टिविटी ये सबसे बड़ा
अनिवार्य अंग हो गया है विकास का, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरवे हो, या चाहे हाईवेज हो, वाटरवेज हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी के हाईवेज भी उतने ही जरूरी हो गए। आज पहली बार आदिवासी क्षेत्र के साथ रेल का जुड़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये कनेक्टिविटी उड़ीसा के चहुंदू दिशा में विकास के लिए एक संबल पुरवार होगी। मैं फिर एक बार यहाँ के सभी नागरिकों को वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट का लोकार्पण करते हुए अत्यंत गर्व की लागणी अनुभव करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।